हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लाइटरूम फोटो एडिटिंग की वीडियो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और जिनने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। आज हम लोग ये वाला फोटो एडिट करने वाले हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ से शेयर कर लेना है इसको लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस, ये यहाँ से नीचे आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड को आ चुका है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस हमें स्टार्ट कर देंगे हम अपनी एडिटिंग। सबसे पहले हमको क्रॉप कर लेना है अपने फ़ोटो को, एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है हमें अपने फ़ोटो से। यहाँ लॉक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, पहले इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से अनलॉक कर देंगे इसको, और इसके बाद हम इसको कर लेंगे क्रॉप। गाइस, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना है यहाँ से, इसके बाद कर देंगे हम राइट। तो गाइस, इतना क्रॉप करने के बाद हमें सबसे पहले चले जाना है लाइट के अंदर। तो मैं यहाँ से लाइट के अंदर चले जाता हूँ। लाइट के अंदर जाने के बाद एक्सपोजर को हल्का सा माइनस में रखना है हमें, यहाँ से कर लेंगे -30, और इसके बाद कंट्रास्ट को हमें माइनस में रखना है, -10 के आसपास रख देना। इसके बाद हम हाईलाइट्स को भी माइनस रखेंगे, यहाँ से 20 के आसपास माइनस रख देना है। इसके बाद हम शेडोज़ को बढ़ा लेंगे, शेडोज़ को हल्का सा बढ़ा लेना है यहाँ से। तो गाइस, शेडोज़ को रखूँगा मैं 60 के आसपास रख लेना है, यहाँ से 65 रख लूँगा मैं, शेडोज़ को बढ़ा लेना है। और इसके बाद हम आते हैं अपने वाइट्स पर, वाइट्स को हम माइनस में रखेंगे, यहाँ से वाइट्स को माइनस कर लेना है, और ब्लैक्स को भी माइनस कर लेना है यहाँ से। इसके बाद हम चले जाते हैं कलर वाले ऑप्शन पर, इसके कलर को यहाँ से हम टेम्परेचर को माइनस में रखेंगे। इसके बाद हम वाइब्रेंस को भी हम बढ़ा लेंगे, वाइब्रेंस को यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है। इसके बाद सैचुरेशन को -2 रखना है। यहाँ से हम चले जाते हैं मिक्स कलर पर, मिक्स पे आने के बाद रेड कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देंगे हम, यहाँ से -10 के आसपास कर देना है। इसके बाद ऑरेंज कलर पर आ जाएंगे हम, ऑरेंज कलर पर आने के बाद ह्यू को बढ़ा देंगे हम। ह्यू को बढ़ाने के बाद सैचुरेशन को हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देने के बाद ल्यूमिनेंस को हम फुल कर देंगे यहाँ से 100। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने येलो कलर पर, येलो को ह्यू को -100 रख लेना है, और सैचुरेशन को बढ़ा लेना है हल्का सा। इसके बाद यहाँ से ल्यूमिनेंस को हम माइनस में रखेंगे। इतना कर देने के बाद हम आते हैं अपने ग्रीन कलर पर, इसके सैचुरेशन को हम हल्का सा माइनस कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने स्काई ब्लू कलर पर, इसके ह्यू को हम -41 कर लेंगे। ब्लू कलर पर आ जाते हैं अब हम, यहाँ से ब्लू कलर के ह्यू को -2 रखना है। इसके बाद सैचुरेशन को हमें बढ़ा लेना है 4, और ल्यूमिनेंस को हमें -6 रख लेना है। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट कलर पर, इसके सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेंगे, यहाँ से 8 रख लेना है, सॉरी गाइस, इसके सैचुरेशन को हम माइनस में रखेंगे, यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद हम आते हैं अपने इफ़ेक्ट्स पर, इफ़ेक्ट्स पर आने के बाद टेक्सचर को हम माइनस कर लेंगे, यहाँ से 15 के आसपास रख लेना। क्लैरिटी को हम बढ़ा लेंगे 4, विग्नेट को हम माइनस में रखेंगे, यहाँ से -45 कर देना। इसके फीदर को हम बढ़ा लेंगे, यहाँ से फीदर को बढ़ा लेना है 50 के आसपास, यहाँ से 66 कर दिया हूँ मैं। इसके बाद गेन अमाउंट को यहाँ से 1 रखना है। इसके बाद हम आते हैं अपने डिटेल्स पर, डिटेल्स की शार्पनिंग को हम बढ़ा लेंगे, यहाँ से 60 के आसपास कर देना। उसके बाद मास्किंग कर देंगे हम 100%। इसके बाद हम नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा लेंगे, यहाँ से 10% रख लेना है। कलर नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा लेना है, इसको 15% रखना है। इसकी स्मूथनेस को भी हम बढ़ा लेंगे हल्का सा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पर, ऑप्टिक्स पर, इसके दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो गाइस, इसके ऑन करते ही हमारा लेंस करेक्शन हो जाएगा, इसके बाद हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है। तो गाइस, आपको दिखा देता हूँ मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर, हमारा बिफ़ोर पहले का फ़ोटो ऐसा था और आफ्टर ऐसा हो चुका है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।